हेलो गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में अभी थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, जैसे मोलियर डायग्राम पढ़ा था हमने, पीटी डायग्राम पढ़ा था, पीवी डायग्राम पढ़ा था, तो ये सब चीजें पढ़ी थी। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोसियस क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने नाम भी सुना होगा, बहुत बार पूछी भी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार लगा देते हैं हम। देखो कहां से स्टार्ट होती है, डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये क्या है आपकी, ये है आपकी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन है ये। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते। टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग फेज चेंज जब होता है, यानी कि वेट रीजन के अंदर ड्यूरिंग फेज चेंज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर ड्यूरिंग फेज चेंज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। फेज चेंज के दौरान प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर आपके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, तो हम इसको डायरेक्टली डीपी बाय डीटी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, डीपी बाय डीटी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करते ही नहीं, तो वॉल्यूम तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो इसको पार्शियल लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब जो ये है, ये डेल एस फेज चेंज के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर तो आपका कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो ये डी भी अपने आप में हट गया। फेज चेंज के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रहता है, तो डेल एस को हम लिख सकते हैं, मान लो फेज चेंज में एस जी माइनस एस एफ, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी जी माइनस वी एफ। सिंपल, कैसे, ये बताया था ये फेज चेंज के दौरान में यहां पर G पॉइंट और यहां पर F पॉइंट, तो यहां से यहां तक अगर हुआ है तो VG, देखो इसको, यानी ये एक्चुअल में 2 पॉइंट है और ये आपका 1 पॉइंट है, तो आप इसको S2 माइनस S1 एंड V2 माइनस V1 तो लिख सकते हैं ना, S2 की जगह 2 की जगह G और 1 की जगह F पुट कर दो, बस ये आ जाएगा। ठीक है, तो S2 माइनस S1 डिवाइड बाय V2 माइनस V1। और एक चीज हमें पता है, एक चीज हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि एस जी माइनस एस एफ जो होता है वो होता है लेटेंट हीट डिवाइड बाय सैचुरेशन टेम्परेचर। ये पढ़ा है, याद है, एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, एस जी माइनस एस एफ क्या है, लेटेंट हीट बाय टी सैचुरेशन, और टी सैचुरेशन को हम सिंपली टी ही लिख लेंगे, तो ये आपके पास, दिस इंप्लाइज आपके पास आया डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू एस जी माइनस एस एफ को क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट डिवाइड बाय टी इंटू वी जी माइनस वी एफ। ठीक है, और यही एक इक्वेशन ही, इस इक्वेशन को सिंपल 2 स्टेप किए हमने और एक इक्वेशन आ गई, इसको बोलते हैं
क्लेपायरन इक्वेशन, पूरा नाम नहीं आया अभी तक, क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन नहीं आया, इसको बोलते हैं क्लेपायरन इक्वेशन। सिंपल है, देखो हमने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन ली, इसमें पता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आपके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, तो इसको डीपी बाई डीटी लिख सकते हो, और इसके दौरान जो होता है फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो इसको डीएस बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा वी लिख सकते हो, और डेल्टा एस को डायरेक्टली लिख सकते हो एस जी माइनस एस एफ डिवाइड बाई वी जी माइनस वी एफ फेज चेंज के दौरान, ठीक है। और एस जी माइनस एस एस एफ हमें पता है लेटेंट हीट बाय टी सेचुरेशन होता है, तो लेटेंट हीट बाय टी इंटू ये वी जी माइनस वी एफ, ये होगी आपकी क्लेपायरन इक्वेशन। अब यहां तक तो क्लेपायरन ने सोल्व किया था, इससे आगे क्लोसियस ने सोल्व किया और फिर उस इक्वेशन का नाम पड़ गया क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन। इससे आगे इसको सोल्व किया थोड़ा सा, ठीक है, वो कैसे सोल्व किया, वो कहा कि जो वी वी एफ है, वी एफ है अगर बहुत कम हो वी जी से, एक्चुअल में वैसे होता भी है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है और वेपर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो एफ जो है लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है वेपर के वॉल्यूम से, ठीक है, तो हम वी जी VF को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम VF को वी कैन नेग्लेक्ट VF, VF को नेग्लेक्ट अगर कर देंगे हम, ठीक है, VF को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी dP by dT को नियरली इक्वल टू लिखेंगे लेटेंट हीट डिवाइड बाय T इंटू VG, VG हो जाएगा, VF आपका वो हो जाएगा और VG मतलब वेपर का वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो हमें पता है, हमें एक चीज पता है कि PV इक्वल टू होता है MRT, M को इधर ले आओ, P को उधर ले जाओ, V by M is equal to RT by P, और जो V by M है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है स्मॉल, और जो यहां पर है ये भी एक्चुअल में स्पेसिफिक वॉल्यूम ही है, यहां पर ये क्या है, ये वैल्यू V जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आई RT by P, और ये पुट कर देंगे यहां पर, और आइडियल गैस इक्वेशन इसीलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये वेपर है, वॉल्यूम ये V किसका है, वेपर का, तो वेपर को हम आइडियल गैस मान सकते हैं और वहां पे ये इक्वेशन लगा सकते हैं, तो ये वेपर फेज है, वीजी किसका बता रहा है, वेपर का बता रहा है, और वेपर को हम क्या मान सकते हैं, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो dP by dT की नियरली वैल्यू आई LH डिवाइड बाय T इनटू V की जगह क्या लिखेंगे RT by P, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास dP by dt की वैल्यू आएगी, p ऊपर चला जाएगा, p इंटू लेटेंट हीट डिवाइड बाय r इंटू t स्क्वायर, ठीक है, और यही है आपकी, इसी का नाम है क्या है, क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन, क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन, यही है आपकी क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन, और ये आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन अब पता चल गया, सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करेंगे हम मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन से, वहां से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको कहेंगे हम क्लेपायरन इक्वेशन, फिर इस क्लेपायरन इक्वेशन में VF बहुत कम होता है VG के कंपेयर में, तो VF को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद ये आ गया VG, आ गया VG वेपर फेज में, तो यहां पर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, यहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आया RT by P, तो इसकी जगह RT by P लिख देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस जो है, ये चैप्टर आपका खत्म होता है।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस खत्म होता है। ठीक है, अभी अभी क्या कुछ कोई टॉपिक देखते हैं, अगर हमारा कोई टॉपिक है तो। ठीक है चलो, फिर अभी अभी इतना ही पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस हमारे खत्म हो गया। एक दो लेक्चर और बनाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के, जो कुछ एक टॉपिक्स बचे हुए हैं उन टॉपिक्स को लेके। हाँ, साइकिल्स हमने नहीं पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स में साइकिल्स नहीं पढ़े हैं। साइकिल्स जो है आईसी इंजन में आईसी के साइकिल्स पढ़ते हैं, पावर प्लांट में उसके साइकिल पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में मेनली साइकिल्स नहीं होते, और जहाँ हो जो होते हैं तो आप हम उनको दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, या हो सकता है कि एक दो लेक्चर हम यहाँ पर साइकिल्स का लगा लें। ठीक है, तो साइकिल्स जो है थर्मोडायनेमिक्स से जो रिलेटेड साइकिल्स हैं वो हम उसको थोड़ा बहुत एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेंगे आगे जाने से पहले, तो देखते जो भी होगा हम वो करेंगे। ठीक है, जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई करो, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।